लोकसभा चुनावों के खत्म होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को जोर का झटका दिया है। दरअसल योगी सरकार ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के शिक्षा संस्थान IMT की गाजियाबाद स्थित जमीन का आवंटन रद्द कर दिया है। योगी सरकार ने IMT गाजियाबाद की तकरीबन 10,841 स्क्वायर फीट जमीन का आवंटन रद्द किया है। इस जमीन पर बने निर्माण को ध्वस्त किया जा सकता है। ये कार्रवाई BJP पार्षद राजेंद्र त्यागी की शिकायत पर की गई है। दरअसल त्यागी द्वारा की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कॉलेज मालिक ने 15 एकड़ जमीन पर धोखाधड़ी से कब्जा कर लिया है। ये जमीन गाजियाबाद के मुख्य इलाके में आती है। जमीन और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ये जमीन राज्य की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की है, जिस पर IMT ने कब्जा कर लिया था। दस्तावेजों के मुताबिक उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 1973 में राजनगर एक्सटेंशन के पास IMT को प्लॉट अलॉट किया था। इस जमीन पर ही संस्थान का निर्माण होना था, जबकि निर्माण इससे ज्यादा करवाया गया था। गौरतलब है कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के चांसलर और UP के गवर्नर राम नाईक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस संबंध में पत्र लिखा था और इस मामले की जांच शुरू करने के लिए कहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे IMT गाजियाबाद को संचालित करते हैं, वो इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी है।